मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईवीएस में क्या करेंगे, हमने फ्रूट्स के नेम सीखे ना, तो आज हम उसका सब फ्रूट्स का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, फिर आपको बोलना है कौन सा पिक्चर है, और हम इधर क्या करेंगे, उसके स्पेलिंग लिखेंगे। ये बताओ तो ये कौन सा फ्रूट है। वेरी नाइस, एप्पल। तो एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, चलो कौन बोलेगा। वेरी गुड, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल का कलर कैसा होता है, रेड होता है ना, आप सब लोग खाते हो, नहीं खाते हो, कैसा होता है, एकदम टेस्टी टेस्टी होता है, यम्मी यम्मी, आपको पसंद है ना, ठीक है। तो एप्पल दिखाया हमने, फिर मैं दूसरा फ्रूट आपको दिखाती हूँ, ठीक है, वो आपको बोलना है कौन सा है फ्रूट, कौन सा पिक्चर है। आप सबको बहुत पसंद है, पसंद है कि नहीं पसंद है, क्या है, मैंगो। वेरी नाइस, मैंगो कितना अच्छा उसका कलर देखा आपने, एकदम ऑरेंज कलर है, येलो ऑरेंज जैसे आती है ना, कुछ मैंगो येलो होती है और कुछ ऑरेंज होती है, जैसे केसर होती है, बादाम होती है, लंगड़ा होती है, वैसे बहुत सारी मैंगो के अलग अलग प्रकार होते हैं, नहीं होती है। आप लोग खाते हो ना, उसका रस खाते हो, फिर मैंगो का सेक भी पीते हो, मैंगो सेक पीते हो नहीं, फिर उसको कट करके भी खाते हैं, पसंद है ना आपको, ठीक है। तो मैंगो का स्पेलिंग क्या होगा, M-A-N-G-O, मैंगो। वेरी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या है, कौन सा पिक्चर है, बनाना। वेरी नाइस, आप सब लोग खाते हो ना, खाते नहीं खाते, उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, जब कच्चे होते तब ग्रीन होते, उसमें से क्या बनता है, कच्चे में से वेफर्स बनती है, आप सबको पसंद है ना, बनाना वेफर्स, ठीक है। तो बनाना का स्पेलिंग क्या होगा, एप्पल का क्या हुआ, ए डबल बी एल एप्पल, फिर एम एन जी ओ मैंगो, और बनाना का ये एम ए बनाना। अब मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ, ये बताओ तो मुझे कौन सा पिक्चर है, क्या है, ग्रेप्स। वेरी नाइस, उसका कलर कैसा है, ग्रीन ग्रीन है ना, कैसी होती है, एकदम खट्टी मीठी होती है, आपको पसंद है ना। तो ग्रेप्स का स्पेलिंग क्या होगा, ग्रेप्स। ग्रेप्स, देखो मैंने पहला लेटर कौन सा लिखा है, कैपिटल लिखा है, और बाकी के सब स्मॉल लिखे, ठीक है। तो आपको अपनी नोटबुक में कैसे लिखा है, जैसे मैंने ऐसे लिखा ना, वैसा मेरी जगह नहीं, इसलिए मैंने इधर लिखा है, तो आपको ये सब जो बाकी के स्पेलिंग है ना, वो भी आपको नीचे से ही लिखना है, समझ में आया आपको कैसे लिखना है, फिर आपका इधर खत्म हो जाए तो साइड में लिख सकते हो, पहले वरना आपको ऐसे ऐसे सीधे ही लिखना है। चलो अब मैं दूसरा फ्रूट दिखाती हूँ आपको, ठीक है, ये कौन सा है, ऑरेंज। वेरी नाइस, ऑरेंज
ऑरेंज का जूस पसंद है कि नहीं पसंद है? आप सबको पसंद है ना? तो वो ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना, उसमें से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो हमें ऑरेंज का जूस पीना चाहिए, वरना ऑरेंज की ऑरेंज भी खाना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा दिखा दूं। चलो ये क्या है? रेड रेड वाटरमेलन। वेरी नाइस। क्या है? वाटरमेलन। आपको पसंद है ना? तो उसमें क्या बहुत सारा होता है? वाटर होता है, इसलिए हम क्या उसे कहते हैं? वाटरमेलन। आप जब भी खाते हो तो आप उसकी स्लाइस खाते हो कट करके, तो उसमें से आपको कैसा लगता है? ये पानी पी रहे हो ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसमें बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, तो वाटरमेलन का स्पेल क्या होगा? येलो जैसा होता है ना, येलो और थोड़ा सा ऑरेंज जैसा होता है। ठीक है, तो पाइनएप्पल का स्पेलिंग क्या होगा? आपको मैंने क्या सिखाया था? खाली आपको पाइन का ही याद करना है, वरना एप्पल का तो आप आता ही है आपको। तो पाइन का क्या होगा? चीकू। कौन सा फ्रूट है? चीकू। तो चीकू का
जो चीकू से बनता है आप पीते हो नहीं पीते हो? कैसा होता है? एकदम टेस्टी होता है ना। ठीक है, तो चीकू का स्पेलिंग क्या होगा फिर बोलो तो? वेरी गुड, लिखना है।
ठीक है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल करना है, आपको वन टाइम लिखना है, फुल लाइन नहीं लिखना है। कितनी बार लिखना है? तो वन टाइम लिखना है, जैसे मैंने ऐसे लिखा ना वैसे ही आपको लिखना है, वन टाइम लिखना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलो बाय बाय।